हेलो दोस्तों, नमस्कार। मैं दिनेश वर्मा राज आप सबका स्वागत करता हूं। दोस्तों, आज मैं आप सबको एक बात बताने वाला हूं जिसे आप सुनेंगे, समझेंगे, सच्चाई है तो दिल से एक्सेप्ट करेंगे। अगर आपके अंदर एक्सेप्ट करने की क्षमता नहीं है तो आप कुछ भी बोलेंगे, मुझे कुछ फर्क नहीं पड़ेगा। मैं ये बताने वाला हूं आप सबको कि करीब 17 महीने के आसपास से मैं सोशल साइटों पे हूं। उसके पहले आपने मुझे कहीं नहीं देखा होगा, क्योंकि मैं मेरे वर्क में बिजी रहने के कारण मैं पहले वर्क करूं, पहले फैमिली देखूं, उसके बाद मैं कुछ करूं। कुछ कारण की वजह से दुर्गा माता बजरंगबली भैरव बाबा ने मेरे माइंड में एक जनसेवा के लिए प्रस्ताव डाल दिया कि इतना ज्ञान होने के बाद तुझे शांत बैठना अच्छी बात नहीं है। हालांकि छोटे मोटे चमत्कार मैंने बहुत पहले किया, 2001-2002 के अंदर मैंने छोटे मोटे चमत्कार बहुत किया। वो भी छोटे मोटे चमत्कार आजकल के तांत्रिकों को बोल दो तुमसे नहीं होगा। छोटे मोटे चमत्कार किसको कहते हैं पता है? किसी की जान बचाना, जो 20 साल से 25 साल से बेड पे पड़ा है उसे खड़ा कर देना, लोगों को संभालना। ये मैं 2001 में ही ये छोटे मोटे चमत्कार कर दिया था मैंने। लास्ट में मैं शूटिंग के कारण मैं थोड़ा बिजी रह गया, और बिजी रहने की वजह से मैं सिर्फ पूजा पाठ करता था। सुबह शूट के टाइम पे जब हमें जाना होता था, सुबह हम 5 बजे उठते थे, नहाकर स्नान करके मैं अपना जो माला जप होता है माला जप करके मैं 6 बजे तक आराम से अपने शेड्यूल पे चले जाता था। मैं जो हमारी लोकेशन होती थी वहां पे जाके हम शूट भी करते थे, वहां से आने के बाद खाने पीने खाते थे, आराम करते थे। उस समय मेरे माइंड में एक ही बात चला जब मैं यूट्यूब खोल के देखा और देखा वहां पे कि काफी लोग है तंत्र मंत्र बता रहे, जादू टोना बता रहे, सब कुछ बताने के बावजूद काम उल्टा कर रहे हैं। तब उस समय मैंने 17 महीने पहले मैंने 3 वीडियो एक बनाकर मैंने इसी चैनल पे सेम डाला था, 3 वीडियो बना के, वो भी बड़े चमत्कार, कोई छोटे मोटे चमत्कार वाले वीडियो नहीं थे। अगर आप सब शुरू से अगर मुझसे जुड़े हैं तो आप सबको पता होगा, आप कमेंट में भी इस बात को लिखेंगे। आप मैंने लौंग का एक बनाया था, एक रोटी का बनाया था कि रोटी ग्रहों को शांत करना है या टेंशन है तो रोटी पकाएं, आप सर रखकर सो जाएं। दूसरा लौंग अपने पास रखें, कहीं पे भी जाए, भूतनी डंकनियों की एरिया में भी जाए तो लौंग साथ लेकर जाए। तीसरा था राहु का। ये 3 वीडियो मैंने डाला था 17 महीने पहले, 3 वीडियो डाला था। जितने लोग मुझसे जुड़े हैं उन सबको पता है 17 महीने पहले 3 वीडियो ये डाला था। उसके बाद मैं 2 महीने के बाद देखा तो उसके अंदर व्यू भी काफी थे, काफी लोग उसे करके ठीक हुए भी थे, और वो कॉन्टेक्ट नंबर मुझसे मांग रहे थे कि कॉन्टेक्ट नंबर दीजिए प्लीज। क्यों भाई, अगर आप सब YouTube के ऊपर तांत्रिक है ना, आप सब अगर सही काम करते तो 3 वीडियो पे क्यों आती पब्लिक मेरे पास? मात्र 3 वीडियो पे वो पब्लिक मुझसे कॉन्टेक्ट नंबर मांग रही है। उनको कॉन्टेक्ट नंबर मैंने दिया तो एक के कमेंट में मैंने कॉन्टेक्ट नंबर दिया तो मुझे उसी दिन 1000 कॉल आ गए, उसी दिन मेरे पास 1000 कॉल आ गए। और इतनी बड़ी बड़ी परेशानियों को लेकर रोते थे और वो बिस्तर से उठ नहीं पाते थे, उनका दिमाग काम नहीं करता था। इस स्थिति में उन लोगों ने मुझसे बात किया। मैंने उस दिन 500 लोगों को ठीक किया था, उसी दिन फर्स्ट डे 500 लोगों को मैंने ठीक किया था। आप सोचो कि 24 घंटा बैठना क्या खाने का काम है? आज दुर्गा माता बजरंगबली भैरव बाबा का आशीर्वाद है, आज के तारीख में 17 महीनों में सिर्फ सोशल साइटों पे करीब से करीब 1,32,00,000 लोगों को मैंने ठीक किया है। वो तो चाहे वशीकरण का हो, चाहे ऊपरी हवा का हो, चाहे किया कराया हो, चाहे मारण हो, 1,32,00,000 लोगों को मैंने ठीक किया है। अब आपको इसका प्रमाण चाहिए तो वीडियो देखने वाले जो है ईमान और धर्म पे रहेंगे तो कमेंट में अपना अनुभव शेयर करेंगे, वो कमेंट करेंगे और बताएंगे। तो मैंने 1,32,00,000 लोगों को मैंने ठीक किया है, ग्रांटेड ठीक किया है मैंने, क्योंकि इस लाइन के अंदर मुझे आने का कोई मतलब ही नहीं था कि इस लाइन में मैं आऊं, लोगों से दुश्मनी मोल लूं। आज क्या है, पहले 6 से 7 लोग बैठते थे तांत्रिक मेरे ऊपर वार करने के लिए, मुझे मारने के लिए, कि उनको पता है कि ये दिनेश्वर महाराज इस सोशल मीडिया पे रुक गया तो इनकी दुकानें बंद हो जाएगी और ये बर्बाद हो जाएंगे। आज कम से कम 50 से 55 लोग बैठते हैं शमशान भूमि में, 50 से 55 लोग बैठते हैं, वो सब मुझे दिखता है। अब आप बोलेंगे भाई आपको कैसे दिखता है, तो आपको मैं पहले भी बताया था मेरी ये 3 शक्तियां मेरे बचपन से, जब मैं छोटा था, जब मेरे पास दिमाग नहीं था, तब से ये शक्तियां मेरे साथ में, और इनका बच्चा हूं मैं, लाडला हूं इनका,
मुझे हिलाने के लिए दम चाहिए, दम समझते हो ना, दम चाहिए। तो मेरा बोलने का रीजन है, जितने भी तांत्रिक हैं आप लोग जो काम करते हैं काम करिए, जन कल्याण के लिए काम करिए, किसी बहनों के साथ में बदतमीजी मत करिए, माताओं के साथ में बदतमीजी मत करिए, किसी की साथ में चीटिंग वाली बातें मत करिए। हमारे पास 100 रुपए ही लिया जाता, उससे ज्यादा 1 रुपए नहीं लिया जाता। इंडिया के बाहर है तो उनका मेरे वेबसाइट पे दिया गया है उनसे क्या अमाउंट लिया जाता है, इंडिया के अंदर है तो उनसे 2100 रुपए से ज्यादा नहीं लिया जाता है। आज मेरे वीडियो के नीचे सारे लोग कमेंट करते हैं और उनसे दिनेश्वर महाराज बन के बात करते हैं और उनसे पैसे मांगने की कोशिश करते हैं। लोग तो मेरी आवाज पहचानते हैं। दिनेश्वर महाराज के पास इतना टाइम नहीं है कि भाई इजिली फोन उठा लिया और बात कर लिया। तो आपकी आवाज, जितने मेरे भक्त हैं उनको पता है कि आपकी आवाज क्या है और मेरी आवाज क्या है। तो दोस्तों, बस एक नसीहत देने के लिए, एक सच्चाई बताने के लिए मैं आप सबके समक्ष इस वीडियो को बनाया है। और आप इस वीडियो को देखें, समझें कि सच्चाई है या नहीं है। और जितने भी मेरे भाई बहन हैं उन सबको मेरा आशीर्वाद है, मेरी तीनों शक्तियों का आशीर्वाद है, मेरे सर्वाधिक शक्तियों का आशीर्वाद है। उनका कभी भी हानि नहीं होगा, उनको हानि पहुंचाने वाला खुद हानि में आएगा, खुद फंसेगा। बस इतना ही कहना था आप सबसे। जब बात मेरी नहीं हो पाए तो उसके लिए आप अपने माइंड पे प्रेशर ना लें, टेंशन ना लें। जो कार्य करना है आप काम करते जाइए, उसका फल आपको मिलेगा। अगर ज्यादा परेशान है आप तो मैंने निब्बू का चमत्कार जो दिया है, मेरा चमत्कार, उस निब्बू के चमत्कार वाले वीडियो देखें आप, उसे कर लें, आपको तुरंत रिलीफ हो जाएगा। अगर ज्यादा ही भूत प्रेत आपको प्रेशर दिया है, टेंशन दिया है, तो उस समय आपको एक निब्बू लेकर ओम भैरवाय नमः, ओम भैरवाय नमः, ओम भैरवाय नमः 7 बार उतारा करें और उसे काट के चौराहे पे डाल दें, तुरंत आपको आराम मिलेगा। ये मेरा 100% का दावा है, क्योंकि जो टोटके मैं आप सबको बताता हूं, ना तो मैं कहीं से लेता हूं ना तो कहीं से देता हूं, मैं सिर्फ अपने पास से बनाता हूं, अपने पास से मैं आप सबके समक्ष रख देता हूं। इसीलिए मैं बोलता हूं, जब भी कोई टोटका करें आप, तो उसका जो चढ़ावा होता है वो चढ़ावा आप दे दिया करें। 111 रुपए नॉर्मल है। आप अगर किसी डॉक्टर के पास जाओगे तो आपको फ्री देख लेगा, भैया आपका नस चेक करेगा, आला लगाएगा कि क्या हुआ है, बीपी डाउन तो नहीं है, बीपी बढ़ तो नहीं गई है। तो वो चेक करने के बाद अपने पास से कुछ दवा देता है वो, और कुछ दवा बाहर से लिख देता है। जब डॉक्टर आपका फ्री नहीं कर सकता तो मैं कैसे कर सकता हूं, बताइए मुझे आप। मैं उन लोगों से पैसे नहीं लेता हूं जिनके पास कोई सहारा नहीं है। अरे भैया तुम्हारे पास सहारा तो है, तुम वीडियो देख रहे हो, वीडियो के नीचे कमेंट भी कर रहे हो आप, तो आप चढ़ावा देने के काबिल नहीं है आप। जिनके पास मोबाइल नसीब में नहीं है, जिनको पता ही नहीं है कि उनका मतलब वीडियो क्या होता है और कौन से साइड पे आते हैं, ऐसे लोगों के लिए मैं आज भी हूं, हमेशा रहूंगा। जो देने योग्य है उसे देना ही चाहिए, बस मेरा यही मानना है। इसके अलावा मेरे पास कोई डिसीजन लेने की जगह नहीं है कि मैं आप सबको कुछ गलत बोलूं या गलत समझाऊं मैं। और ये वीडियो आप सबको पसंद आया हो तो प्लीज इसे लाइक करें, सब्सक्राइब करें। थैंक यू सो मच। जय भैरव।